गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांजना। सो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बैंगल्स कलेक्शन, मतलब कि मैं आप लोगों को ये कुछ बैंगल्स हैं जो मैंने सेलेक्ट की हैं कि ये आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बैंगल्स होती है ना, मतलब इनमें से कुछ बैंगल्स ऐसी होती है जिसको आप किसी के साथ भी मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब कि आपको जरूरी नहीं है कि आप डिफरेंट टाइप के बैंगल्स अपने पास कलेक्शन रखें, कुछ एकाद बैंगल्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप अपने पास रखते हैं तो उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप में आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के पास, सबके पास कांच की तो चूड़ियां होती हैं, उनमें से कुछ कड़े या कुछ कंगन ऐसे होते हैं जिसको अगर चूड़ी में अटैच कर दिया जाए तो चूड़ियों की जो सुंदरता है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे कंगन लाई हूँ, कुछ ऐसे कंगन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपके पास होने ही होने चाहिए। चूड़ियों को आजकल कई प्रकार से पहना जाता है, कोई बीच में भी पहनता है, कोई आगे भी पहनता है, वो आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे स्टाइल करते हैं। जैसे जो कांच की चूड़ियां होती हैं वो सबके पास होती हैं, जो वेलवेट की चूड़ियां होती हैं वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती हैं, जो वेलवेट की चूड़ियां होती हैं उनके बीच में या आगे पीछे दोनों तरफ अगर कंगन को पहन लिया जाए ना, चूड़ियों का जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाता है। खाली चूड़ियां उतनी अच्छी नहीं लगती है जितना अगर कंगन को बीच में या आगे पीछे कर लिया जाए, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे कंगन को सेलेक्ट करके लाई हूँ जो आपके पास होने ही होने चाहिए। कुछ कंगन इनमें से है जो कि ऑनलाइन है और कुछ है जो कि लोकल मार्केट में है। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बैंगल्स कलेक्शन। फर्स्ट बैंगल है जो कि आपके पास होनी ही होनी चाहिए, अभी मैंने रिसेंटली ही मीशो से परचेज की है जो कि बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे मिला है। गाइस ये देखिए, ये है, इसमें ना ये किनारे, इसमें ये छोटे छोटे, ये पूरे के वो कौड़ी कौड़ी जो है ना, वो कौड़ी शेल्फ है, ये पूरे के पूरे इसमें कौड़ी लगी हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। आप देखिए बहुत ही ज्यादा सुंदर है, अच्छी लग रही है। बट इसमें एक पार्ट है जो मुझे खराब सा लगा ना, इसके ये जो किनारे किनारे हैं, मुझे लगा शायद मेटल का होगा, पर ये मेटल का नहीं है, ये प्लास्टिक का है। तो थोड़ा सा मुझे ये लगा कि ये चीज अगर मेटल का होता तो ज्यादा अच्छा था, बट आप इसको ना यूज कर सकते हैं। ये बैंगल ऐसी है जो कि आपके पास होनी ही होनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छी है। मतलब आप किसी के पास भी नहीं देखेंगे जिसके पास ये कौड़ी के बैंगल्स ना हो। डिजाइन हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, पर कौड़ी के बैंगल्स उनके पास डेफिनेटली होते ही होते हैं, और ये जो कौड़ी के बैंगल्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसका जो सबसे ज्यादा खराब पार्ट निकला वो बस यही था, लेकिन बात ये है कि आप इसको पहन के ना पानी में हाथ नहीं डालेंगे तो ये चल जाएगा। एंड जो दूसरा है वो है कुछ ऐसा, ये आपने मीशो में देखा होगा, ये आपके पास ऐसे कंगन ना होने ही होने चाहिए। ये वाले कंगन में क्या रहता है ना कि आप चूड़ियों के आगे पीछे ना आप ऐड कर सकते हैं, चूड़ियों को ऐड करके ना इसको आगे पीछे ऐड कर सकते हैं, बीच में जैसा भी आपको लगता है आप डिफरेंट टाइप में स्टाइल कर सकते हैं। तो ये वाले कंगन ना आपके पास होने ही होने चाहिए, क्योंकि ये वाले कंगन ऐसे होते हैं ना जो आप किसी भी कलर की चूड़ी के साथ मैच कर सकते हैं और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। एंड जो थर्ड बैंगल है वो है एक कड़ा है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। गाइस बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ये देखिए, लुक एट दिस, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और क्या रहता है ना कि जो कंगन ये जो कड़े रहते हैं ना वो आगे से थोड़े से मतलब छोटे होते हैं और पीछे से ये थोड़े बड़े होते हैं ना, उनकी जो ऊंचाई होती है वो बहुत सुंदर लगता है। जैसे ये देखिए, ये इधर से क्या है, ये थोड़ा सा ना उठा उठा हुआ है, तो ये चीज ना बहुत सुंदर लगती है। अगर इनके बीच में चूड़ियां पहनी जाए ना तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। ये देखिए कैसे, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। तो अगर ऐसे कंगन आपको मिलते हैं ना तो आप डेफिनेटली अपने पास इस कंगन को डेफिनेटली परचेज करिए। ये मुझे ऑनलाइन मैंने अभी तक तो चेक नहीं किया है, ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज किया था और बहुत अच्छे प्राइस में मुझे मिला है। अगर आपको कहीं मिलता है तो आप डेफिनेटली इसको परचेज करें। और ये क्या है ना, इसमें ग्रीन और मरून कलर का, थोड़ी रेडिश कलर का है ना, तो आप इसको हर एक प्रकार के कलर के साथ आप इसको मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। फोर्थ जो है वो है कुंदन के बैंगल्स। कुंदन के बैंगल्स आपके पास होने ही होने चाहिए गाइस, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। ये देखिए, ये कुंदन के बैंगल्स हैं,
होने ही होने चाहिए। आप कुंदन के बैंगल्स को भी ना डिफरेंट टाइप में स्टाइल करके पहन सकते हैं, डिफरेंट कलर में स्टाइल करके पहन सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। अगर आपको बैंगल्स में बहुत ज्यादा भरी भरी नहीं चाहिए ना, सटल सा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं ना, एक बैंगल पीछे और एक आगे लगा सकते हैं और बीच में ना वेलवेट की चूड़ियां पहन लीजिए, बहुत ही सुंदर लगता है और काफी सटल सा लुक आता है। तो ये वाले जो बैंगल्स हैं ना कुंदन वाले, ये डेफिनेटली आपके पास होने ही होने चाहिए। ये ऑनलाइन भी मिलता है, आप लोकल मार्केट में भी देखेंगे आपको वहां भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिलता है। एंड जो नेक्स्ट बैंगल है वो कुछ ऐसे हैं, ये वाले भी है ना, जैसे ये वाला थोड़ा सा उठा उठा था ना, ये भी थोड़ा उठा उठा है। ये देखिए, ये मेटल का है, ये मेटल के कंगन है मेरे, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसके बीच में भी ना सबसे अच्छा पार्ट क्या होता है ना, जो कड़े होते हैं अगर वो थोड़े उठे उठे रहते हैं ना, जैसे चूड़िया क्या रहती है, सटल रहती है, प्लेन रहती है ना, तो वो क्या रहते हैं, हाथ पे आ जाते हैं। और अगर इन कंगनों के बीच में वो चूड़िया आ जाए ना और ये कंगन थोड़े उठे उठे होते हैं, तो ये लुक बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, अच्छा सा लुक आता है। तो ऐसे कंगन ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, अगर मुझे कहीं दिखते हैं ना तो मैं उसे ले ही लेती हूँ। तो आप देखिए, ऐसे कंगन बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर। ऐसे कंगन ऑनलाइन भी मिलते हैं, ये मेरा लोकल मार्केट से ही परचेज किया हुआ है, ये कंगन आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। अगर देन जो सेकंड बैंगल्स है वो कुछ ऐसे हैं, इनको मैं स्टाइल करती हूँ बीच में ही स्टाइल करती हूँ, इनको मैं आगे नहीं पहनती हूँ। क्या रहता है ना, ये जो कंगन है इनको ऐसे करके ऐसे मैं इनको वियर करती हूँ, ऐसे, कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। आप देखिए, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं, ऐसे कंगन बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। आप ना इनके बीच में ना, जैसे कि अगर आपको ये चाहिए कि चूड़ियां हैं, आपको थोड़ी थोड़ी सी चूड़ियां डालनी है, तो आप इसको यहाँ थोड़ी सी चूड़ियां डाल के, यहाँ कंगन डाल के आप इसको ऐसे वेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। ये देखिए, इनके बीच बीच में आप थोड़ी थोड़ी सी चूड़ियां, दो चार जो भी आपको कम्फर्ट हो, आप उतनी चूड़ियां इसमें एड ऑन कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट चूड़ियां हैं, वो बैंगल्स हैं जो हमारे, वो कुछ ऐसी हैं। ये बैंगल्स में ना बीच बीच में थ्रेड का यूज किया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और सबसे अच्छा पार्ट क्या है ना इसका, ये गोल्डन कलर में है। तो गोल्डन कलर क्या है कि आप किसी भी चूड़ी के साथ ना, अगर आप कोई सी चूड़ी है आपकी सिंपल सी है, आपको लग रहा है कि उसमें कुछ तो एड ऑन करना चाहिए, तो आप बीच बीच में ऐसी चूड़ियों को ना एड कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा, बहुत ही ज्यादा। एंड देन जो नेक्स्ट है वो है कुछ ऐसे टाइप के कड़े बैंगल्स ही बोलेंगे इसको, ये कुछ ऐसे टाइप के बैंगल्स हैं ऐसे। अगर आपकी चूड़ियां बहुत ही ज्यादा प्लेन है, आप कुछ थोड़ा सा ना हैवी सा लुक देना चाहते हैं, तो आप इनको ना चूड़ियों के बीच में डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको कड़े के रूप में भी यूज कर सकते हैं, आगे पीछे बस डाल के, और अगर चाहते हैं ना तो चूड़ियों के बीच बीच में भी एड ऑन करके इनको कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। एंड जो नेक्स्ट है वो है एक बहुत ही ज्यादा सुंदर सा है, वो कुछ ऐसा है, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आप ना इनको बीच में, चूड़ियों के बीच में पहनोगे ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक आएगा। और इसका सबसे अच्छा पार्ट क्या है ना, ये बहुत ही ज्यादा शाइन करते हैं, बहुत ही सुंदर है। आप देखिए, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसको भी मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज किया था, ऑनलाइन अभी मैंने देखा नहीं कि ऑनलाइन है अवेलेबल या नहीं है। एंड जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है मीशो का ही एक बैंगल है, जो आपके पास डेफिनेटली होना ही होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है गाइस, मैंने अभी रिसेंटली ही इसे परचेज किया है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, मतलब इतना ज्यादा पसंद आया ना कि अभी मुझे इसको एक बार और ऑर्डर प्लेस करना है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये क्या है, इसके नीचे नीचे छोटी छोटी सी आप देख सकते हैं, छोटी छोटी सी ना इसमें व्हाइट कलर की मोती लगी हुई है, ये लटकन है, और ये पूरा मिरर वर्क है, इसमें ना मिरर लगा हुआ है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आप इसको डिफरेंट टाइप में स्टाइल कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आगे पीछे डाल के बीच में चूड़ियां डाल सकते हैं, अगर आप चाहें ना तो इन चारों को एक ही हाथ में यूज कर सकते हैं, एंड एक नेक्स्ट भी पार्सल ले सकते हैं ना, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप इसको जैसा भी चाहें ना वैसे ही स्टाइल कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर आएगा गाइस, बहुत ही ज्यादा सुंदर।
तो इन सारी बैंगल्स में से जो भी बैंगल्स ऐसी होंगी जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज की होंगी, तो मैं उसका जो कोड है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं देखूंगी कि सेम अगर कुछ मैचिंग का भी मिलता है ना, आसपास कुछ मिलता है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो गाइज यदि मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है, मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इन बैंगल्स में से कौन सी बैंगल है जो कि बहुत ज्यादा पसंद आई है, आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।